फ्रेंड्स पुष्कर ये है नॉइज कलर फिट प्रो का एक रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वॉच जिसको हम एमेजोन से फर्स्ट सेल में डबल फोर डबल नाइन में परचेज किए हैं जहां से आप इस स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हैं वो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं ऐसे आप में से किसी एक पर्सन को ये नॉइज कलर फिट प्रो फाइव मैक्स स्मार्ट वॉच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है इस वीडियो में हम इस स्मार्ट वॉच का गिव अवे कर रहे हैं जिसका विनर अनाउंसमेंट हम फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को करेंगे एंड इस गिव अवे को जीतने के लिए या इस नॉइज कलर फिट प्रो फाइव मैक्स स्मार्ट वॉच को अपना बनाने के लिए

बैक बटन भी यूज कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट है, अगर सिंगल प्रेस करेंगे तो वर्कआउट मोड ओपन हो जाएगा एंड अगर आप प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो नॉइजर्ज ऐप आप ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वॉच की वो चेंज कर सकते हैं या फिर आप इस रोटेटिंग क्राउन के मदद से भी वॉच फेस चेंज कर सकते हैं वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट right करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का स्लीप मॉनिटरिंग का स्ट्रेस मॉनिटरिंग का एंड जो भी आपका एक्टिविटी या फिर कुछ और जो विजिट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे एक कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा जहां से आप साइलेंट मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं फाइंड माई फोन फीचर का यूज करके अपने फोन को कर सकते हैं ब्राइटनेस लेवल को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसके अलावा डी को ऑन ऑफ कर सकते हैं पावर सेविंग मोड जो है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड एंड लास्ट पे आपको आपको सेटिंग सेटिंग देखने के लिए मिल जाता, and setting में भी आपको काफी सारा option मिल जाता जाता है है में भी काफी सारा ऑप्शन ये सब कुछ हम लोग डिटेल में में देखेंगे वीडियो आगे बट उससे पहले हम स्मार्ट वॉच को जो है ना क्विकली एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली कैसे सेटअप करना है वो आपको दिखा देते हैं उसके लिए हम इस वॉच को रीसेट कर लेते हैं तो नॉइस इस स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से नॉइस फिट हेल्थ एंड फिटनेस एप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है तो यहाँ हम इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपने स्मार्ट वॉच को ऑन कर लेते हैं जब आप इसको बॉक्स से निकालेंगे ऑफ कंडीशन होल्ड करके रखना है जिसको स्कैन करके आप ये फिट, हेल्थ फिटनेस ऐप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे हम ऐप ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है अगेन आपको कंटिन्यू के ऊपर टैप करना है फिर आप अपने गूगल उ के थ्रू लॉग कर सकते हैं या फिर अपने ई एड्रेस के थ्रू भी लॉग कर सकते हैं तो यहाँ एड्रेस एंटर किए हैं एड्रेस पे हमको एक होगा और उस OTP को एंटर करके हम यहाँ पे कर सकते हैं ओटीपी एंटर करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन का परमिशन देना होगा तो वाइल्ड यूजिंग द एप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर नियर बाई डिवाइसेज का परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग के बाद यहाँ पे कलर फिट प्रो फाइव मैक्स डिवाइस जो है वो शो करने लगा जस्ट हम अपने डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे मेरे नॉइज स्मार्ट वॉच पे पेयरिंग रिक्वेस्ट शो करने लगा हम इसको कंफर्म कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि पेयर हो चुका है यूजिंग के ऊपर टैप करेंगे मिलता है तो जैसे ही आप इनिशियल सेटअप कंप्लीट करते हैं आपको एक पेयरिंग रिक्वेस्ट स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप उस पेयरिंग रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर यूज नहीं कर पाएंगे एंड अगर आपको स्मार्ट वॉच को ब्लूटूथ के थ्रू पेयर करना है कॉलिंग फीचर को यूज करना है तो फिर आप अपने एंड्रॉइड फोन में ब्लूटूथ सेटिंग में चले जाइएगा प्रो फाइव मैक्स कॉलिंग शो करने लगेगा स्मार्ट वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे अब जैसे हम इनिशियल सेटअप कंप्लीट किए हैं यहाँ पे ओटी अपडेट शो कर रहा है इंस्टॉल कर लेते हैं क्विकली जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट था वो हम इंस्टॉल कर लिए हैं इस तरीके से आपको नॉइस फिट हेल्थ एंड फिटनेस एप का होम पेज देखने के लिए

फिर पॉपुलर सेक्शन है तो आपको वॉच फेस शॉर्टलिस्ट करने में जो है ना थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है तो इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे डीआई एंड कस्टम दो ऑप्शन है तो दोनों ही ऑप्शन को क्विकली देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम डीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल दो ऑप्शन है अगर हम यहाँ पे एनालॉग सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग पेजेस में जो है ना वॉच फेस का अलग अलग पैरामीटर सेट करने का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले पेज पे आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं जहां पे आपको माई इमेज का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टैप करके आप अपने फोन के गैलरी में से अपने किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके इसको क्रॉप करके एज अ बैकग्राउंड आप वॉच फेस में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अलावा अगर आप सिंपल कोई सॉलिड कलर यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर आपको जो है ना ऐप में ही कुछ इमेजेस भी मिलता है इन इमेजेस को भी एज अ बैकग्राउंड आप वॉच फेस में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिलता है तो एनालॉग वॉच जो हम सेलेक्ट किए हैं इसका अलग अलग आपको आउटलाइन देखने के लिए मिलता है जो आउटलाइन आपको सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं

है कस्टम वॉच फेस या डी आई वाई वॉच फेस अपलोड हो रहा है अपने स्मार्ट वॉच पे. तो पे, इस पे इसी तरीके से योर ओवन में आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टैप करके सिंपली आप यहाँ पे जो है ना फोटोज एड कर सकते हैं अपने गैलरी में से या कैमरा से कोई फोटो क्लिक करके एज अ कस्टम वॉच फेस आप यूज कर सकते हैं कुछ आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाएगा जो आप बैकग्राउंड पे ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना हो तो आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट स्टाइल मिल जाता है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिल जाता है तो बेसिक अगर आपको कस्टम वॉच फेस यूज करना है अपने फोन के गैलरी में से कोई फोटो एज अ वॉच फेस यूज करना है तो वो आप इस कस्टम ऑप्शन पे टैप करके कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज्यादा कस्टमाइज करना है अपने वॉच फेस को तो फिर आप डी वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वॉच फेस के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग मिलता है जहां से आप ऐप नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं उसके लिए आपको जो है ना डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग

अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे होंगे तो जो भी एप्स का नोटिफिकेशन आप इनेबल किए हैं उन एप्स का नोटिफिकेशन भी आपको वॉच पे रिसीव नहीं होगा बिकॉज आप ऑलरेडी अपने फोन को यूज कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आप अपने फोन पे ही देख सकते हैं तो अननेसेसरी आपके स्मार्ट वॉच का बैटरी ड्रेन नहीं होगा नोटिफिकेशन के कारण इसके बाद यहाँ पे आपको एक सब तो बर्ज का ऑप्शन मिलता है अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है तो आपके स्मार्ट वॉच का स्क्रीन जो है वो वेक नहीं होगा जिससे अननेसेसरी बैटरी ड्रेन नहीं होगा तो आप इस फीचर को भी यहां से इनेबल कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ से आप एस अलर्ट इनेबल कर सकते हैं इससे जो भी आपके फोन पे मैसेजेस आएगा वो भी आप अपने स्मार्ट वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे फिर माय रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता, मिलता है जहां से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लूटूथ कॉलिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिलता है जहां पर आप कॉल अलर्ट को इनेबल कर सकते हैं उसके लिए आपको कॉल लॉग कॉन्टैक्ट फोन कॉल का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा एंड ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर को आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं इसके बाद हेल्थ मॉनिटर सेटिंग में आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप ऑटो हार्ट रेट मॉनिटरिंग को इनेबल कर सकते हैं इससे आपका स्मार्ट वॉच एवरी मिनट पे आपके हार्ट रेट को मेजर करेगा एंड से आप एक अलर्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं अगर इस वैल्यू से ज्यादा आपका हार्ट रेट जाता है तो आपको एक अलर्ट भी रिसीव हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे स्लीप रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है तो अगर आप स्लीप रिमाइंडर चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और स्लीप रिमाइंडर का जो टाइमिंग है स्टार्ट टाइम वो आप से सेट कर सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए आपको यहाँ पे ऑटो स्ट्रेस है, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, इसके लिए का भी ऑप्शन है अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप अपने medicine के लिए भी इसमें रिमाइंडर जो है स्मार्ट वॉच से, से भी सेट कर सकते हैं अगर आप गूगल फिट ऐप यूज करते हैं तो गूगल फिट और नॉइज फिट को सिंक कर सकते हैं

फीचर में ऐड कर सकते हैं जिसको आप अपने स्मार्ट वॉच पे भी एक्सेस कर पाएंगे जस्ट आपको ऐड कॉन्टेक्ट के ऊपर टैप करना है और अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी एक कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सेफ के ऊपर टैप करके जो है ना उसको एसओ या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने वॉच में एड कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है तो आप अपने स्मार्ट वॉच में किसी भी टेन स्पोर्ट्स मोड को एड कर सकते हैं फिलहाल यहाँ पे टेन स्पोर्ट्स मोड ऑलरेडी एडेड है तो यहाँ पे एडिट के ऊपर अगर हम टैप करते हैं एंड किसी भी एक स्पोर्ट्स मोड को अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं फिर ऐड के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी सारा स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिलता है 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट है नॉइज कलर फिट प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच में तो किसी भी स्पोर्ट्स मोड को अगर आपको ऐड करना है तो जस्ट उस स्पोर्ट्स मोड को यहां से आप सेलेक्ट करके सेव के ऊपर टैप करेंगे एंड सेव चेंजेस के ऊपर टैप करेंगे तो वो स्पोर्ट्स मोड आपके वॉच में एड हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे स्मार्ट विजिट का ऑप्शन मिलता है तो जब आप अपने वॉच फेस पे स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट right करते हैं ना तो इस तरीके से आपको काफी सारा विजिट्स देखने के लिए मिलता है एंड इन विजिट्स को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं एडिट के ऊपर टैप करके आप किसी भी विजिट को यहां से रिमूव कर सकते हैं एंड एड के ऊपर टैप करके आप विजेट्स एड भी कर सकते हैं बट जो पांच विजिट का आपको ऑप्शन मिलता है ना वो ऑलरेडी एडेड है नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है तो जब भी आप कॉल को रिजेक्ट करते हैं अपने स्मार्ट वॉच से तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ क्विक रिप्लाई मिलता है जिसको आप एडिट कर सकते हैं कुछ नया क्विक रिप्लाई आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पे वेदर सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है तो वेदर सेटिंग अगर आप यहाँ से इनेबल करते हैं तभी आप अपने वॉच पे वेदर फॉरकास्ट जो है वो चेक कर पाएंगे एंड आप यहाँ से टेम्परेचर यूनिट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कैमरा शटर का ऑप्शन मिलता है और इसके लिए जो है ना आपको रिकॉर्ड वीडियो का परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा और यहाँ पे ये डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क नहीं करता है मतलब आपके फोन में जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है उसके साथ ये कैमरा शटर जो है वो वर्क नहीं करेगा नॉइज फिट ऐप में ही आपको जो बिल्ट इन कैमरा ऐप मिलता है उसी के साथ ये कैमरा शटर जो है वो वर्क करता है एंड इस तरीके से अपने वॉच को शेक करके आप फोटोज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं तो जो कैमरा कंट्रोल का फीचर है वो हमको यूजलेस लगा बिकॉज वो डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ वर्क नहीं करता है नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिलता है तो आप वर्ल्ड क्लॉक जो है वो एड कर सकते हैं अपने स्मार्ट वॉच में एंड लास्ट यहाँ पे आपको फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टैप करके आप अपने स्मार्ट वॉच को सर्च कर सकते हैं एंड आपके वॉच पे जो है ना इस तरीके से एक रिंग जो है वो प्ले होगा एंड लास्ट यहाँ पे आपको डिवाइस अनपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है तो ये कंप्लीट नॉइस फिट ऐप का ओवरव्यू था जो भी आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स या सेटिंग्स मिलता है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए अब नेक्स्ट यहाँ पे नॉइस कलर फिट प्रो फाइव मैक्स स्मार्ट वॉच के जो बिल्ट इन फीचर्स है एंड जो बिल्ट इन सेटिंग्स मिलता है उनको एक बार क्विकली देख लेते हैं बट उससे पहले इस वीडियो में जो हम इस स्मार्ट वॉच का गिव अवे कर रहे हैं उसके लिए जिस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है वो क्वेश्चन ये है कि इस स्मार्ट वॉच में आपको एमोलेट डिस्प्ले मिलता है

वो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं वॉच फेस पे अगर आप इस क्राउन को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे ऐप मेन्यू में आ जाएंगे सबसे पहले आपके पास नॉइज हेल्थ हेल्थ का ऑप्शन है है पे पे जो भी आपका मॉनिटरिंग वाला फीचर्स वो सब आप आप देख सकते हैं अपना एक्टिविटी रिलेटेड जो भी आप स्टेप्स लेते हैं जितना भी कैलोरी बर्न करते हैं जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो सब आप देख सकते हैं आप आप है, 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 आप है। फिर आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए ऐप मिल जाता है एंड हमको यहाँ पे सेंसर का क्वालिटी अच्छा लगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वॉच जो है वो प्रॉपरली हार्ट रेट मॉनिटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि

सैमसंग गैलेक्सी वॉच सिक्स है तो उसके साथ हम कंपेयर किए एंड हमको इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग 99 परसेंट तक एक्यूरेट लगा मतलब कि काफी क्लोज रिजल्ट्स था तीनों ही डिवाइसेस का नेक्स्ट इसमें ब्लड ऑक्सीजन या एस टू मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे भी जैसा कि हम आपको बताए कि इसके सेंसर का क्वालिटी अच्छा है इसका सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आप अपने वॉच को रिस्ट पे पहने हैं या नहीं नेक्स्ट अगर हम इसके ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के डेटा एक्यूरेसी का बात करें तो ये हंड्रेड एक्यूरेट नहीं है एंड ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है हम अपने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ इसके ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के डेटा को कंपेयर किए नॉर्मली भी हमको प्लस माइनस टू परसेंट का डिफरेंस देखने के लिए मिला पल्स ऑक्सीमीटर के डेटा के साथ साथ ही वर्कआउट के दौरान भी जब हम इसके मॉनिटरिंग को अपने पल्स ऑक्सीमीटर के साथ टेस्ट किए तो वहां पे भी जो है ना हमको प्लस माइनस टू परसेंट का डिफरेंस देखने के लिए मिला मतलब की आप हंड्रेड इसके एसपी टू मॉनिटरिंग के डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते हैं बट आप रेफरेंस के लिए एक आइडिया लेने के लिए इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट इस वॉच में आपको स्लीप मॉनिटरिंग का भी फीचर मिल जाता है एंड हम इस वॉच को पिछले दो दिन से यूज कर रहे हैं एंड मेरे पास दो नाइट का स्लीप मॉनिटरिंग का डेटा है जो बेड पे जाने का टाइम है जो कंप्लीट स्लीप टाइम है एंड जो वेकअप टाइम है ये वॉच ऑलमोस्ट एक्यूरेटली मेजर करता है जो टोटल स्लीप टाइम निकल के आया इस तरीके से आपको स्लीप स्कोर देखने के लिए मिल जाता है इसके अलावा यहां पे आप अपना लाइट स्लीप डीप स्लीप टाइम आर टाइम वो सब देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे नॉइज हेल्थ में ही आपको ब्रीद का ऑप्शन मिलता है तो आप मेडिटेशन या ब्रीदिंग वाला जो एक्सरसाइज होता है वो आप कर सकते हैं एंड इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपना टाइम पीरियड एंड जो स्पीड है वो कस्टमाइज कर सकते हैं फिर आपको इसमें स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है एंड अगेन अगर आप अपने वॉच को अपने रिस्ट पे नहीं पहनेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके

कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है फिलहाल यहाँ पे कोई भी कॉल हिस्ट्री नहीं है जब भी आप कॉल रिसीव करते हैं अपने वॉच के थ्रू तो वो कॉल हिस्ट्री में पे शो करेगा फिर आपको डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है और इस तरीके से जो है ना डायरेक्टली आप अपने अपने वॉच से कॉल कनेक्ट कर सकते हैं फोन के थ्रू एंड अगर आपको अपने कॉल को अपने फोन पे ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे जो फोन वाला बटन है इसके ऊपर प्रेस करना है एंड आपका कॉल जो है वो आपके फोन पे ट्रांसफर हो जाएगा वापस से अगर आपको वॉच पे कॉल को ट्रांसफर करना है तो आप अपने फोन से जो है ना इस तरीके से कॉल अपने वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे आपको म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है इसके अलावा स्पीकर वॉल्यूम

आप वन टैप में अपना स्ट्रेस हार्ट रेट एंड एसपीओ टू मेजर कर सकते हैं फर्स्ट टाइम जब आप इस वन टच मेजर ऐप को यूज करेंगे तो आपको टू मिनट का टाइम लगेगा एंड उसके बाद से जब भी आप इस फीचर को यूज करते हैं या इस ऐप को यूज करते हैं तो आपको एक मिनट के आसपास का टाइम लगेगा एंड इस तरीके से आपका हार्ट रेट एसपीओ टू एंड स्ट्रेस का जो डेटा है वो आप वन टैप में देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे वर्कआउट मोड है एंड आप अप टू टेन वर्कआउट मोड अपने स्मार्ट वॉच में ऐड कर सकते हैं किस तरीके से ऐड करना है नॉइस फिट ऐप के थ्रू वो ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं उसके बाद जो भी आप स्पोर्ट्स या वर्कआउट मोड यूज करते हैं उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फिर क्लॉक का ऑप्शन है जहाँ पे आप अलार्म सेट कर सकते हैं टाइमर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टॉप का फीचर मिल जाता है फिर वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिल जाता है किस तरीके से आप वर्ल्ड क्लॉक में अलग अलग सिटीज ऐड कर सकते हैं नॉइस फिट ऐप के थ्रू वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं यहाँ से बैक आते हैं तो फिर आपको रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है जो अगेन आप नॉइस फिट ऐप से ऐड कर सकते हैं फिर आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड वो म्यूजिक नेम यहाँ पे शो कर रहा है म्यूजिक कंट्रोल में एंड यहाँ से हम चाहें तो नेक्स्ट ट्रैक पे इस तरीके से स्विच कर सकते हैं म्यूजिक को प्ले पॉज यहाँ से हम कर सकते हैं इसके अलावा वॉल्यूम अगर हमको इंक्रीज करना है अपने स्मार्टफोन का तो वो हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं तो इस तरीके से म्यूजिक कंट्रोल का जो फीचर है वो भी प्रॉपरली वर्क करता है म्यूजिक कंट्रोल के बाद यहाँ पे आपको वेदर फॉरकास्ट जो है वो आप अपने स्मार्ट वॉच में चेक कर सकते हैं एंड वेदर फॉरकास्ट अपने स्मार्ट वॉच में चेक करने के लिए आपको नॉइस फिट ऐप में वेदर का जो ऑप्शन है वो इनेबल करना होता है नेक्स्ट यहाँ पे आपको वॉच फेस का ऑप्शन मिल जाता है तो वॉच फेस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इस रोटेटिंग क्राउन या डायल की मदद से भी आप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे फ्लैश का फीचर मिल जाता है टैप करके आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं वॉच का जो पीक ब्राइटनेस है वो 600 का है जो कि काफी ज्यादा है कंप्लीट डार्क प्लेस पे आपको इसका फ्लैश लाइट का फीचर इफेक्टिव लगेगा नेक्स्ट पे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है एंड लास्ट यहाँ सेटिंग मिल जाता है सेटिंग में सबसे सब पहले रिस्ट अवेक का का ऑप्शन है है मतलब रेज टू वेक जो फीचर है, इसको आप ऑलवेज ऑन कर सकते हैं एंड आप रेज टू वेक फीचर को शेड्यूल कर सकते हैं जैसे कि ड्यूरिंग स्लीप आपको जरूरत नहीं है कि आप रेज टू वेक फीचर को इनेबल करें तो उस अकॉर्डिंग जो है ना आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं या फिर आप परमानेंटली इसको टर्न ऑफ भी रख सकते हैं फिर स्मार्ट वॉच में आपको जो है ना टैप टू वेकअप का फीचर मिल जाता है फिलहाल आप देख सकते हैं

30 सेकंड तक सेट कर सकते हैं इसके अलावा आपको ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन मिलता है फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑफ स्क्रीन डायल या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए कुछ वॉच फेसिस का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके पास जो है ना चार वॉच फेस का ऑप्शन है जो कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे यूज कर सकते हैं या एज अ स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले यूज कर सकते हैं अब वीडियो का ये सेक्शन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों है वो ऑलरेडी हम वीडियो में दो बार आपको बता चुके हैं तो आपको चार स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले डिस्प्ले या ऑलवेज ऑन वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है जिसको भी आपको यूज करना है जस्ट उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी आपको एक्टिवेशन टाइम का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो आप इसको ऑलवेज ऑन कर सकते हैं या फिर आप इसके टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं अगर आप अपने वॉच की स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो कुछ सेकंड का टाइम लगता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आने के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप ऑलवेज ऑन कर सकते हैं इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं या फिर आपको स्मार्ट डीएनडी का भी ऑप्शन मिलता है स्मार्ट डीएनडी इनेबल करने पे ड्यूरिंग स्लीप जो है ना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा डीएनडी मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा कोई भी कॉल या मैसेज का नोटिफिकेशन आपको स्मार्ट वॉच पे नहीं आएगा नेक्स्ट यहाँ पे रिंग एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आपको वाइब्रेशन स्ट्रेंथ सेट करने का ऑप्शन मिलता है थ्री लेवल ऑफ वाइब्रेशन स्ट्रेंथ जो है

अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में कुछ भी फीचर्स जो है वो वर्क नहीं करेगा अल्ट्रा पावर सेविंग मोड से बाहर निकलने के लिए जो क्राउन मिलता है इसको जस्ट आपको प्रेसेंट होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक एंड इस तरीके से आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को डिसेबल कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पे मेन्यू व्यू का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टैप करके आप ग्रीड व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं या लिस्ट व्यू व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं में मेन्यू जो है वो कुछ इस तरीके से शो करता है फॉर्मेट में में एंड लिस्ट व्यू जो मेन्यू है वो इस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में शो करता है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टच का स्मूदनेस है ना मतलब की जो स्क्रॉलिंग में स्मूथनेस फील होता है वो काफी अच्छा है काफी स्मूद है टच रिस्पॉन्स भी हमको काफी अच्छा लगा नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है जिसको आप यहाँ से कर सकते हैं ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन आउटडोर वॉकिंग रनिंग के लिए या इंडोर रनिंग के लिए प्रॉपरली वर्क करता है एंड हम इसको यूज भी किए जैसे कि अगर हम फाइव मिनट तक आउटडोर वॉक कर रहे थे ना तो ऑटोमेटिकली हमको एक पॉपअप आया जिसमें शो कर रहा था कि आप आउटडोर वॉकिंग रनिंग या फिर इंडोर रनिंग कर रहे हैं तो वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे विजिट शॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे अगर आप पर्सनलाइज विजिट शॉटिंग इनेबल करते हैं तो वॉच फेस पे स्वाइप करने पे जो आपको लास्ट विजिट मिलता है ना इसमें आपको अलग अलग विजिट्स का ऑप्शन मिलता है एंड ये विजिट जो है ना आपके यूज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा मतलब कि अभी रिसेंटली हम वेदर ऐप ओपन किए थे वर्ल्ड क्लॉक ओपन किए थे अलार्म ओपन किए थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड क्लॉक वेदर ऊपर में शो कर रहा है एंड पहले जो है ना यहाँ पे एक्टिविटी हार्ट रेट ब्लड ऑक्सीजन का डेटा ऊपर में शो कर रहा था तो जिस हिसाब से आप जो फ़ीचर यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे टॉप पे दिखाई देगा अब नेक्स्ट यहाँ पे डाउन बटन का ऑप्शन है तो इस वॉच में जो आपको ये शॉर्टकट बटन मिलता है इसके फीचर्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें दो फंक्शन मिलता है सिंगल टैप का का एंड लॉन्ग प्रेस डिफॉल्ट सिंगल टैप पे वर्कआउट मोड एंड लॉन्ग प्रेस पे नॉइज असाइंड है इस शॉर्टकट बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्कआउट मोड इनेबल हो जाता है एंड अगर हम इसको प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे नॉइज नॉइजर्ज एप जो है वो ओपन हो जाता है एंड डाउन बटन के लिए जो दो ऑप्शन मिलता है ना सिंगल टैप का अगर आपको वर्कआउट मोड की जगह किसी और एप को

कोई भी इनकमिंग कॉल आता है तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन जो है ना आपके स्मार्ट वॉच पे शो करेगा एंड आप यहाँ से कॉल को कट कर सकते हैं कॉल रिसीव कर सकते हैं क्विक रिप्लाई के थ्रू आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर म्यूट कर सकते हैं साइलेंट कर सकते हैं तो अगर हम अपने वॉच से कॉल को रिसीव करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है जहाँ पे आप अपने कॉल को जो है ना वॉच से अगर फोन पे ट्रांसफर करना चाहें तो आपको ये बटन मिल जाता है इसके अलावा म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एंड वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एंड कॉल को कट कर सकते हैं एंड लास्ट इस वॉच को हम पिछले दो दिनों से यूज कर रहे हैं तो एस नोटिफिकेशन या थर्ड पार्टी ऐप नोटिफिकेशन का अगर हम बात करें तो वहां पे हमको कोई भी इशू नहीं लगा एस नोटिफिकेशन में अगर आपको कोई भी एस एस या मैसेज हिंदी टेक्स्ट में आता है तो उस कंडीशन में जो है ना आप मैसेज को या नोटिफिकेशन को वॉच पे देख के समझ नहीं सकते इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क शो करेगा यहाँ पे मेल का नोटिफिकेशन भी आया था इसके अलावा इंस्टाग्राम ट्विटर एंड व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी हमको प्रॉपरली वॉच पे रिसीव हो जा रहा था थर्ड पार्टी ऐप नोटिफिकेशन में भी आपको कोई इशू इस स्मार्ट वॉच के साथ नहीं आएगा सो so फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबा हो चुका है कलर फिट प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच की कंप्लीट सेटअप एंड रिव्यू का बाकी हम आपको फिर से रिमाइंड करा दें कि इस वीडियो में हम इस स्मार्ट वॉच का गिव अवे कर रहे हैं एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के दौरान पूछे हैं उसका आंसर भी हम इसी वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर किए हैं आपको जस्ट वो आंसर कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना है फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी को हम विनर का अनाउंसमेंट करेंगे एंड जहां से आप इस नॉइस कलर फिट प्रो फाइव मैक्स स्मार्ट वॉच को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं बट फाइव थाउजेंड रुपीज के प्राइस पॉइंट पे इस स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन जीपीएस का फीचर होना चाहिए था सेम प्राइस पॉइंट पे नथिंग सी का वॉच प्रो हम यूज किए थे जिसमें की बिल्ट इन जीपीएस का फीचर था एमोलड डिस्प्ले था एंड ऑलमोस्ट सेम टाइप का सारा फीचर्स वहां पे भी देखने के लिए मिलता है बाकी हम ऐसा देखे हैं कि नॉइज के स्मार्ट वॉचेस का जो प्राइस है ना वो काफी ज्यादा और काफी जल्दी ड्रॉप हो जाता है तो अगर आप कुछ टाइम वेट करेंगे तो ये स्मार्ट वॉच आपको थ्री टू फोर थाउजेंड रुपीज में भी मिल सकता है एंड उस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन होगा बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बिल्कुल फ्री है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा नॉइज कलर फिट प्रो फाइव मैक्स स्मार्ट वॉच की रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो क्वेरी हो आईफोन के साथ अगर आप इसका सेटअप देखना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय जय हिंद